अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम फहीम। कुकिंग विद शबनम फहीम के चैनल पे आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए देख लेते हैं। तो मुझे चाहिए बेसन एक बॉल भर के, और एक बॉल ही मेरे पास दही है, और ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और एक मीडियम साइज छोटे साइज की प्याज उसका पेस्ट बना लिया है मैंने। तो मेरे पास ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक चम्मच से ज्यादा मेरे पास हल्दी पाउडर है, एक चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, और एक चम्मच मेरे पास नमक है। चलिए तो शुरू करते हैं बेसन को बीट करना, अपना फेंटना। तो सबसे पहले हम अपने बेसन को फेंट लेंगे अच्छा सा, और इसे जरा अच्छे से ही फेंटिएगा, अच्छा हो जाए ये, अच्छी तरह से फेंटिएगा, ताकि जब आप अच्छा बेसन फेंटते हैं ना तो आपकी कढ़ी जो है अच्छी क्रीमी बनती है। ठीक है, ये होता है अच्छा बेसन फेंटने से। चलिए तो मैं इसको फेंटती हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से बेसन को अपने फेंट लिया है, और अब ये फिट गया है अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं एक कटोरी में ये पानी लेती हूँ एक बाउल में, और उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा बेसन डाल के देखते हैं, और ये बेसन मेरा देखिए ऊपर आ गया। इस तरह पता चलता है कि बेसन आपका अच्छे से फिट चुका है। अब मैं इसमें अपने ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये डाल देती हूँ सारे, अदरक लहसुन पेस्ट भी, मसाले, प्याज, और ये दही भी इसमें शामिल कर देते हैं, और अच्छे से फिर से फेंट लेते हैं। दही के सारे लम्स जो बने हुए हैं वो भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं पानी मिला के फिर दिखाती हूँ आपको भगोने में डाल के, जिस बर्तन में मुझे जिस पॉट में इसे पकाना है मैं उसमें करके दिखाती हूँ। उसके पहले अच्छे से इसे बीट कर लूँ, ताकि इसमें से ये जो गुठलियाँ बनी हुई है, लम्स बने हुए हैं, ये सारे हट जाए। तो देखिए मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है इसको, मैंने देखिए इस तरह का पतला कर लिया है सब चीज़ों को, और मैं इसे एक छलनी से छान के इसमें डालूंगी कढ़ी बनाने के लिए, छान के डालूंगी, जो जो मोटा मोटा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप डालिएगा, ये मोटा मोटा निकल जाना चाहिए इसमें से सारा। और इसमें मैं ये पानी और डालूंगी, कढ़ी में पानी ज़्यादा पड़ता है, तो इसे छान के मैं इसे सब निकाल दूंगी, जो भी मोटा मोटा होगा आपको वो निकल जाना चाहिए। इस तरह से करके ये देखिए इतना मोटा मोटा इसमें ये यूजलेस है, ये हटा देती हूँ मैं, ये हटा देती हूँ। और इसमें मैं पानी और डालूंगी अभी। देखिए मैंने इसे ऐसे इतना पतला कर दिया है, और इसे मैं 1.25 लीटर मैंने करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे मैं पकाती रहूंगी एक बॉईल आने तक इसे। ठीक है, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। तो देखिए मेरी कढ़ी में बॉईल आ चुका है, और ये इस तरह की हो गई है, और इसे मैं कम से कम एक 1.25 घंटे तक और पकाऊंगी। 1.25 घंटे तक पकेगी ये मेरी कढ़ी, 1.25 घंटा। और आपका दिल चाहे तो आप ज़्यादा देर भी बना सकते हैं, कढ़ी तो जितनी पकी उतनी अच्छी होती है ना। और मैं इसको फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, कुछ लोग इसे पहले से बघार के बनाते हैं, मुझे बाद में बघार अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को ऐसी अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं, तब तक ये पक रही है इसको पकने देते हैं, आग को हम मीडियम कर देते हैं। चलिए तो उधर मेरी कढ़ी बन रही है सिम पे, और इधर की तरफ वो स्लो मीडियम आग पे बन रही है, मीडियम हीट है उसके नीचे। और ये मेरे पास बेसन है 2-2.5 कटोरी। ठीक है, आपको जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह बीट कर लीजिएगा बेसन को, और फिर पानी पे चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये हरे मसाले हैं, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, और ये मेरे पास कुछ सूखे मसाले हैं, नमक और नमक मिर्च, ये मेरे पास कुटी मिर्च है, मैं ये डालूंगी इसमें। ठीक है, चलिए तो मैं इसको कर लेती हूँ, बीट कर लेती हूँ, और ये सब मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए तो मैंने इसमें ये अपना हरा मसाला और नमक मिर्च मिला दिया है इसमें, और ये थोड़ा इसकी थिकनेस ऐसी होगी। ठीक, क्योंकि मुझे सिर्फ पकौड़ियाँ बनानी है, पकौड़ी फुलकी आप जो बोलते हैं वो बनाती हूँ। देखिए कढ़ी मेरी बन रही है अभी, अभी ये कच्ची है, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, अभी बन रही है। देखिए
तो मैं अपनी पकौड़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ, और ये पकौड़ी एक साइड पकौड़ी बना लेती हूँ, एक साइड ये बनती रहेगी। देखिए बस ये इतनी थिक हो गई है, इसमें मैं अपनी पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी पकौड़ी डाल दी है। अब मैं इसे बघार कर देती हूँ इसमें। ठीक है, बघार करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या कैसे कितना किस किस चीज़ का बघार होगा इसमें। तो देखिए मेरे पास ये चौथाई चम्मच मेथी है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा है आधी चम्मच, तीन चार मेरे पास लाल मिर्चें हैं सूखी वाली, और ये थोड़ा सा लहसुन है कटा हुआ, थोड़ी सी प्याज है, और थोड़ी सी हींग है। आपको डालनी हो तो डालें वरना मत डालें। ठीक है, और ये थोड़ा सा करी पत्ता है। ठीक है, इसमें कितने चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 सात चीज़ों का बघार हमें अच्छा लगता है। आपको जितना अच्छा लगता हो, जो भी चीज़ें इसमें से चाहिए हो आप बघार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मिर्चें इसमें डाल दी, ये फ्राई हो गई, और इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। उसमें प्याज फ्राई करते हैं, और प्याज के साथ ही हम अपना ये सारे ही चीज़ें डाल देते हैं, जो आपको दिखाई है सब डाल देते हैं। मिर्च इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, कड़ी के साथ आप मिर्च बाइट में खाते जाइए आप अपने, बहुत अच्छी लगती है। तो हम थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया है, अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और इसमें डालती हूँ ये करी पत्ते। ऑयल हमारा बहुत तेज हो रहा है, बघार हमारा जल ना जाए, हमें ध्यान रखना है इस बात को। और ये मेरे पास हींग जो है मेरी पिसी हुई है, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं। करी पत्ता अच्छा क्रिस्पी सा हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है, ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ, इससे बड़ा अच्छा रंग हो जाता है बघार में। चलिए तो कड़ी को फ्राई कर देते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी हुई है, ठीक, ये देखिए, देखिए। चलो मैं इसे थोड़ी देर ढक के रखती हूँ, उसके बाद हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए बन गई मेरी कड़ी, बहुत मजे की बनी है और बहुत ही टेस्टी है। आप भी अपने घर में बनाएं मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी बनेगी। और इसी के साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।